तू राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन सो सब तेरे आधीन। तो वृंदावन के धाम कोई और मरम न जाने कोई। डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। आदरणीय श्रोतागढ़, राजपूत कैसेट के सौजन्य से हम लेके चल रहे हैं ये वीआईपी चुटकुलों के बारे में, जिसमें आप सुनेंगे चारों तरफ कैसी वीआईपी फैली हुई है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी से तुम बात करके देखो, तुम अगर किसी से कुछ काम की कहो या दूसरा तुमसे कुछ कहे, तो बाद में ये जरूर कहेगा कि भाई ऐसा काम होना चाहिए लेकिन वीआईपी ढंग से। कि क्या वीआईपी है, चाहे बनने लायक हो या ना हो लेकिन वीआईपी जरूर बने। क्या दशा है कि हम रहे तुम्हें समझाई और चलिया भी आई थी। हम रहे तुम्हें समझाई चलिया भी आई थी। कैसी भी आई थी अवदेश, चाहे घर में कझो ना हो लेकिन अभी बनेंगे वीआईपी। वीआईपी का मतलब है वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। लेकिन अब हर एक चीज महत्वपूर्ण बनी गई। क्या दशा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीरों बने रहे सब वीआईपी। चाहे गरीब हो चाहे अमीरों बने रहे सब वीआईपी। और दिन भर बाहर करे मजूरी पर घर खर्चा वीआईपी की। कौन खोई वीआईपी वीआईपी। हम रहे वीआईपी बनने में एक सबसे बड़ी फायदा, अगर तुम्हारे शर्ट को कपड़ा कम है या पैंट को कपड़ा कम है तो तुम भाई वीआईपी से महिलाओं 50 रुपयों का लगवाओ। लेकिन जब कोई रह गए जाओ कपड़ा कम रहा है। एक दिन हम जा रहे मोटरसाइकिल, कहा देखी के पैंट एक तरफ से फटी पाए से, और जैसे ही वो फटो सोचने लगे अब कहा करें रहे बड़ी जल्दी। हमने अंगेला से क्या देखो कि एक जने आए रहे वीआईपी, उनके दोनों गोड़ फटे रहे। जब हमने जदे की सौंपो बहु गोड़ फाल लो, कौन ना कही कि तुम फटो पेंट पहन वीआईपी बनी गए। क्या दशा है, वीआईपी बाकों से लवाएला वो रंग हो गए गहरा। और वीआईपी बीबी साड़ी मांगे जब दिखे सबरो चेहरा कि नजर इनकी वीआईपी वीआईपी। हम गए तुम्हें समझाए चलिया हम वीआईपी। अब जब आज छोड़ो, अगर काव की बारात जाए तब तो मैंने देखी हो या दशा कैसी हो। काव की अगर बारात जाए घर कपड़ा ना है तो मांग के ले जाए लेकर जाए वीआईपी ढंग से। तो क्या दशा है, वीआईपी दूल्हा सज के जाए वीआईपी जाती बारात। वीआईपी दूल्हा सज के जाए वीआईपी जाती बारात। और वीआईपी सामान मिले तब फिर सीढ़ी आवे साथ के बीबी
दीन की वीआईपी वीआईपी हम गए तुम्हें समझाए चलिया हम वीआईपी बराए तो वीआईपी सजी के जात और हुआ ना वीआईपी खाना में तो ढाड़े ढाड़े खा कोई ना पसनवा बेचारे बड़े बूढ़े लोग जो है बिठाड़ी ठाड़े भाई दे घर रात चुपचाप लौटिया तो घर ही खाता है उन्हें उन्हें मिनतू ही ना वी आई पी के चक्कर और जब वी आई पी बीवी घर में आई तो फिर तो सब वी आई पी काम हो रहे क्या दशा है वी आई पी बीवी घर में आई तो हो वी आई पी काम अब देश वी आई पी बीवी घर में आई तो हो वी आई पी काम सासु को गाली दे दे अब लेके ससुर को नाम के झगड़ा इन को भी आई थी भी आई थी हम गए तुम्हें समझाए चलिया हम भी आई थी वीआईपी वीआईपी बीवी जब घर में आई तो फिर तो सब वीआईपी काम हो अबे वीआईपी सास गए बिगाड़ी देती वीआईपी हाँ हम तुम्हें बताएं कि एक वीआईपी के चक्कर में ही चली गई कैसे अब कह रहे हम जता ना बताइए कौन से गांव की बात है लेकिन अबे वीआईपी के चक्कर ही में हाँ क्या बात थी घर में सीडी देखन का जे लोग भी आई थी मान लो सब चीज मिली रहा घर में सीडी देखन का जे लोग भी आई थी वीआईपी बीबी ने लोग देखे तब छोड़ो पति को साथ आंसू आए वीआईपी वीआईपी हम गए दोस्तों तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अंधविश्वास में कैसे इंसान फंसे हुए हैं अगर कोई बात बता देता है तो हर एक इंसान उसे सच समझ लेता है तो देखते हैं अंधविश्वास के बारे में वैसे अंधविश्वास में पढ़ करके इंसान को बाद में शर्मिंदा ही होना पड़ता है कि एक राजा थे उसी राजा के नगर में एक बाहर आश्रम था तो उस आश्रम पर एक महात्मा जी रहते थे और जब वो महात्मा जी आश्रम पर रहते थे शाम को वो शंख बजाया करते थे तो उन महात्मा जी के पास में एक गधा बना रहता था और जब वो गधा रहे जैसे ही महात्मा जी शंख बजाए सोई वो गधा रह के वो शुरू हो जा तो जब आरती करो करे वो गधौ रह को करे सो महात्मा जी ने अपने दिल में एक बात सोची हमें जब आलम पत्र जे पूर्व जन्म में कोई महात्मा होए हाँ ताई के माए तो मतलब संग ही संग बजात तो उनने वो गधा को नाम संकेसर रख दिया अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो गधा खत्म हो गयो उनने संग बजाओ सो बोलो ही ना बोए तब बोले कैसे बोले जब वो गधा ना बोलो सो महात्मा जी ने जो गधा रहे बाकी मालिक से एक बात बूझी जवाब दो जब बताओ भैया जो मैं संकेश्वर महाराज आते सो कहाँ चले गए कहाँ लगे संकेश्वर महाराज कौन से जब आए संकेश्वर महाराज अरे तुम संकेश्वर महाराज को नहीं जानते हैं वो शंख बजाया करते थे जवाब दो अब तो बोले नहीं तुम्हारे घर पर बना रहता था कहाँ लगे वो तो गधा है तू हाँ गधा तो था लेकिन वो संकेश्वर महाराज आते जवाब दोगे तो खत्म हो खत्म कहन लगे हाँ खत्म हो ही गए सोचन लगे अब का करे आए अरे जब संकेश्वर महात्मा जी खत्म भए तो हमें तो अपन सिर मुड़वा ही चाहिए गए बाजार एकदम से सिर मुड़वा फिर आए गए और जब वे हुआ ना आए
बाकी बाद में उनके चेला आए, चेला ने जवाब दो गुरु जी तुम जब बताओ जो तो पहले तो तुम्हारे बड़ी बड़ैया दाढ़ी और जो बाल रहे, लेकिन अब क्या बात है गुत्ता क्यों कलाओ गुत्ता। तभी तो बोले लला तुम्हें तो न माना कि गुजरी गए मेरे लाल ऐ संके सुर स्वामी गुजरी गए। जवाब तो लला तुम्हें धोरू मानो संकेश्वर माता जी खत्म हो गए। हाँ तो उनके चेला बोले जब बताओ गुरु जी भला संकेश्वर महात्मा जी कौन से आते और कितने बड़े महात्मा आते। तो उनके गुरु जी बोले लला इतने बड़े सन्यासी लाला जो भजन में संग बजावे बसे जाई सुर लोक में जाई के अब नजर नहीं आवे गुजर गए मेरे लाल हाय संगे और तुम्हें ना मालूम जब हम भजन करो करते तो जब बाद में संग बजाते तो भी संग संग ही बजाते। चेला ने सोची पता ना कितने बड़े महात्मा हुए जब और जब गुरु जी ने अपो सर घुटवाए लो तो भला हमें घुटवाना में कहा एकदम से बानी सुने के गुरु अपने की फिर गए बाजार में नाई के पास में पोट के भैया तीनों सिर घुटवाई गुजरी गए मेरे लाल ऐ संके सुर स्वामी गुजरी गए। अब ऐसा हुआ वे तुरंत ही वहां से चले एकदम से नाई की दुकान में पहुंचे उनने वो पंदर घोटवाए लाओ और जैसे ही सिर घोटवाओ अब होना के जो चेला रहे उनने पूछी जब बताओ गुरु जी तुमने सिर बोले है तुम्हें मालूम है ना संकेश्वर महात्मा जी खत्म हो गए। जब आप तो संकेश्वर बोले हाँ अब ऐसा हुआ संकेश्वर की खबर सुन ले सोई ते बैसी सब उठाई गांव शहर अब चार तरफ कोई सिलसी पड़े दिखाई गुजरी गए मेरे लाल भाई संकेश्वर संकेश्वर की सोई अपन सर घुटवाए रहे लेकिन जग आओ को ना मालूम रहे कि संकेश्वर का धाते चारों तरफ सिलसी देखा है। और जब राजा के सिपाही ने देखी कि संकेश्वर महात्मा जी खत्म हो गए तब सिर मुड़बाओ राजा के सिपाही कोई चल के झट बाजार की दशा जब मंत्री साहब ने दौड़ाई झटकार गुजरी गए मेरे लाल ऐ संके सुर स्वामी गुजरी गए।
सिपाही ने जैसे ही अपन सिर मुड़वाओ राजा ने जवाब दो जब बताओ तुमने जो सभा ने सिर क्यों मुड़वाए लोग सभा के बाप घटे ही मरे है जवाब दो ना है तो बोले क्यों फिर क्यों तुमने मुड़वाया कान लगे संकेश्वर महात्मा जी खत्म हो गए संकेश्वर महात्मा कैसे महात्मा आते खत्म ने देख बोले हाँ हमारे तो भूख देगी और इतनी बढ़िया बात है ना कर सकते हम तुम्हें कहा बता मालूम कसुमर है अब बताने हम ये जा रहे हैं कि अंधविश्वास में पढ़ करके शर्मिंदा होना पड़ता है तो जब उन्हें कछना मालूम रहे मंत्री ने जब सुनी अब तो राजा सिर मुड़वाने के लिए चले मंत्री ने जब आओ तो पहले हम देख ले ताकि बाद में तुम मुड़वाओगे जो धंगे दुराते को अंगेला जब बड़की गए उन्हें महात्मा के पास हमें पहुंचे जब आओ तो जब बताओ तुमने धंगे सुर देखे बोले आ खूब देखे कैसे महात्मा जब तुम्हें कहा बात बताएंगे तो महात्मा धोर हुए को गदा और जब हम भजन करो करते तब ही हम पूरे को करते तो हमने जब धोती के जे पूर्व जन्म में महात्मा हो या था उनको ना संगे जरूर दो महात्मा तो कहो ना है गदा और जैसे ही मंत्री ने तने शब्द सुने सोई काल लगे तो बिल्कुल ही पा तब वैसे खुलो जब संकेश्वर को कलो गए शरमाई अंधविश्वास में कोई मत पड़ियो मंजेस गए समुझाई के धरियो पैर समाल संगे दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद कि जो लोभ में पड़ जाता है मदाते तो ये हैं कि हर पाप का बाप लोभ होता है किसी भी इंसान को लोभ में नहीं पड़ना चाहिए देखते हैं इस दृष्टांत के बारे में कि लोभ में पड़ने के बाद में हमेशा दुख ही दुख मिलता है वो कैसे तो देख रहे हैं अरे एक बात हम तुम्हें बताऊं बताओ महाराज और सभा बीच गाय के समझाऊं बिल्कुल समझा स्वामी जी तुम सुन लो मेरे भाई के मेरे भाई होए होए मेरे भाई देखो हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि इंसान को लोभ में नहीं पड़ना चाहिए एक किसी गांव में एक चालाक आदमी रहता था लेकिन उसके घर में दौलत नहीं थी समझा रहे हैं हम आप लोगों को लोभ से हानि कैसे होती है रहे तुम्हें समझाई लोभ से हानि कैसे होती है रहे तुम्हें समझाई और जिसका हृदय लोभ भरा वो बाद में रहे पछताई अरे पछताई ओए होए मेरे भाई रहे पछताई ओए होए मेरे भाई एक बात हम तुम्हें भाई के मेरे भाई
बाद में बुद्धि तो बहुत थी लेकिन दौलत नहीं थी। घर में तीन लड़की हैं, सोच रहा है कैसे हम इनकी सगाई करें। था बुद्धि का चतुर लेकिन दौलत घर में ना आई। घर में ना आई और लड़की तीन घूमे घर में कर न पाई सगाई। सोच दिल जाई ओए होए मेरे भाई, सोच दिल जाई ओए होए मेरे भाई, मेरे भाई। उसके घर में तीन लड़की थी, सोच रहा है कि हम इनका विवाह कैसे करें। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारे घर पर तो बर्तन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो तुरंत ही वो चालाक आदमी एक सेठ जी के पास में पहुंचा है। और जब वो सेठ के पास पहुंचा, जवाब दिया ऐसा करो तुम कुछ दिन के लिए हमें अपने बर्तन दे दो और जब हम अपनी लड़की का विवाह कर लेंगे तो फिर तुम्हें ये बर्तन वापस दे जाएंगे। जब ये कहा सेठ जी कहने लगे हाँ बड़े चले आए हुन से बर्तन लेने के, हम नहीं देंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, तुम किसी जमानत गिर को लेके आओ, का पता तुमने दे या ना दे। बेभाजे एकदम से जमानत गिर को लेके आए और जब वे जमानत गिर को लेके आए बासन लाए और बर्तन लेके तुरंत ही वहां से चले। बड़े धूमधाम से शादी करी और जब शादी करी हुआ के बाद में सेठ जी के वे बर्तन उनने लौट आए थे। और जब बर्तन लौट आ रहे उनके संगम पांच बर्तन और लगाए क्योंकि वो तो चालाक आदमी था। और जब सेठ जी के पास हमें बर्तन लेके गए जवाब दो सेठ जी ले जे बर्तन है और जे इनके बच्चा है। सेठ जी सोचने लगे जूतो बिल्कुल ही पागल, भला बर्तनों को बच्चा होता कोई बात है, ऐसा पागल हमें कब ना मिलो। फिर गए दूसरा जब विवाह हुआ है तो फिर उनके पास हम बर्तन लेने के लिए गए जवाब दो देखो अब की बार हम स्टील के बर्तन जरूर लाके जाए, पीतल के चाहिए। सेठ जी बोले अब कहता हूँ पांच देखे जाइए, उनने पीतल के दे। फिर शादी करने के बाद फिर उनके पास में ले आए जवाब दो ले सेठ जी देना के बच्चा। अरे दावत धल्ले करें क्योंकि तो लोभ में पड़े गए। अब क्या हुआ पहली दूसरी शादी करके तीसरी पे नंबर आयो। पहली दूसरी शादी करके तीसरी पे नंबर आयो। सोने चांदी के बर्तन दी जो सेठ को फिर समझाया कही मुस्काई ओए होए मेरे भाई, कही मुस्काई ओए होए मेरे भाई। एक बात हम तुम्हें बताऊं सबाबी तिगाई के समझाऊं, तुम सुन लो मेरे भाई कब मरे भाई,
पहली दूसरी जब शादी करी और जब तीसरी लड़की का विवाह हुआ सोई में सेठ जी के पास में पहुंची। जवाब दिया सेठ जी, देखो पहले हम स्टील के बर्तन लेके गए तब हम लौट आ रही। हाँ अरे वाह के बाद में पीतल के लेके गए, लेकिन अब की बार हम बड़े धूमधाम से शादी कर रहे हैं। हाँ सोने और चांदी के चाहिए, अब की बार हम ऐसे नहीं ले जाएंगे। एकदम से सेठ जी ने सोची जब पीतल के लेके गए तब वो पांच देके गए, अब की बार हम आने अगर जाए सोने और चांदी के बर्तन दे दे तो फिर जो पांच देके जाए वंटी। तो एकदम से सेठ जी ने सोने के और चांदी के बर्तन दिए लेकिन वे लौटान नहीं आया है। और जब लौटान ना आया है तो सेठ जी ने एक पहुंचे वहां पर थाने में रिपोर्ट लिख दी, जवाब दिया हमारे जो बर्तन ले लिए। एकदम से पुलिस गई पकड़ के लाई, फैसला पहुंचा अदालत में, कहने लगे ये बताओ तुमने सेठ जी के बर्तन लिए। कान लगवा हम ले गए। खैर तुमने इनके बर्तन क्यों नहीं दिए, जवाब दो हमने तो पहले ही सेठ जी को बताओ तो कहने के बर्तन तो सारे मर ही गए। आए सेठ जी कहने लगे क्या बर्तन मरते, वो कान लगो ऐसा है नहीं चुप मां बैठे रहो ज्यादा बातें मत करो। तो मुझे बताओ जब हम पहले बर्तन लेके गए तब पांच उनके संग में दे के गए उनके बच्चा, दूसरी बार जब लेके गए फिर वो बच्चा दे के गए। अब तुम हमें एक बात जब बताओ जब बर्तन बच्चा दे सकते हैं तो क्या बर्तन मर नहीं सकते। सेठ जी बेचारे मौका देकर रह गए, ऐसा ही नहीं। सेठ जी वहां से अपने घर पर चले आते हैं तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कभी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। अरे एक बात हम तुम्हें बताऊं और सभा बीच गाय के समझाऊं, तुम सुन लो मेरे भाई। बताया है देखते हैं दूसरे दृष्टांत की तरफ कि हमारा देश भारत फैशन में कितना फंस चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे किसी को देखो वो हमेशा फैशन में ही लगा रहता है, फिल्म में अगर थोड़ी सी कसने करी वे तुरंत ही लेने के लिए बाहर। क्या दशा है, कवि शिवराम ने लिखा है कि फैशन में भारत देश और फंसी रहो ऐसा जानी फैशन में भारत। कहां से कहां तक पहुंच गए हैं इसका कुछ भी पता नहीं है, पहले क्या था और अब क्या है किसी को नहीं मालूम, सबको मालूम है लेकिन कहता कोई भी नहीं है। पहले की देवी इस भारत में रहती सारा वेश, पहले अभी नहीं बहुत पहले। पहले की देवी इस भारत में रहती सादा वेश, ग्रह का रज और पद सेवा में जे रहती मंगना हमेश, लाज रखती अपनी फैशन में भारत देश फसी रहो है सजनी।
माता पिता की सेवा करती थी साथ। अब क्या दशा है आज कल की, देवी ने सब डारी लाज उतारी, आज कल की देवी ने सब डारी लाज उतारी, और केस खोल के ससुर जेठ संग अब टोले सरे बजार, कबायक भरे बनी हेरे बनी फैशन फतिरो है सजनी। अब देख क्या दशा है, अरे जब सड़क अपनी करे तो देखो पाउडर और क्रीम लिपस्टिक बिंदिया टीको बाल, पाउडर और क्रीम लिपस्टिक बिंदिया टीको बाल, कोट बूट पतलून घड़ी कर जो पेड़ो करे कमाल, जाकी पीछे को है तानी को है तानी। एड़ी चप्पल पहन चप्पल आड़ी अंगर ऊंची होए चा झलक बरा पटी पारे जहां से कोई मतलब ना, ऊंची एड़ी चप्पल पहने रोज सिनेमा जाए, ससुर जेठ संग जाए होटल में अब बैठ के खाना खाए, शर्म ना ए दिल में बनी दिल में मानी तक अनेक नयन के बड़े निराले ढाक, कहाँ तक मंजे सयन के बड़े निराले ढाक, उठ के बहु बाजार चली जाए तो सासु उठा पति काट, पति से कबहू न बनी कबहू न बनी फैसन। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद, यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि महात्मा के अगर चार बोल भी जिंदगी में याद कर लिए तो वो भी बहुत काफी हैं। देखते हैं कि एक गांव में महात्मा जी आए और उपदेश दे रहे थे, और जब उपदेश दे रहे थे तो सेठ और सेठानी रहे, सेठानी जो रहे बिन धर्मात्मा स्वभाव की रहे, सेठ को कोई मतलब ना है, अपने दुकान ही पे जाओ करें। अब ऐसा हुआ कि वो सेठ जी जब दुकान पे जाओ करें और वे सेठानी रोज उपदेश सुनने के लिए जाए, तो एक दिन उन सेठानी ने सेठ से एक बात कही और जवाब दिया, देखो तुम तो रोज दुकान पे जा और कितने बढ़िया महात्मा जी आए और तुमने उनके उपदेश सुनाए सोने बोली, अब हाथ पकड़ी के प्रियतम को, अब देश अब हाथ पकड़ी के प्रियतम को सेठानी ने प्रभु के उपदेश सुने नाई सारो जीवन बितायो है। जवाब दिया, सारी जिंदगी हो गई लेकिन तुम सत्संग में ना
पजे कपड़ा की दुकान थोरू तुम्हारे संग चली जाए, हमने तो जा सुनी है, ये तो धर्म कर ले भाई संग जा तो। लेडी जी बोले तू काय कुछ ही पागल भाई, बोले पागल ना, अगर तूने हम सब है? हम पागल हैं? ऐसा करो हमारी एक बात सुनो, इसलिए हमारा कहना है, सेठानी बोली इसलिए हमारा कहना है, कल मेरे साथ में चलना है, एक सेठानी ने जवाब दो, देखो एक बहुत बढ़िया महात्मा जी आए और तुम हमारे संगम चलो और वहां उपदेश सुनेंगे और तुम आज दुकान अब मत जाओ। सेठ जी कहने लगे देखो हमें मत ले जाओ, जवाब दो अगर हम वहां चले गए तो भला दुकान में कपड़ा को बेचे। सेठानी बोली तुम देखा झूका, लेकिन हम तुम्हें आज ना छोड़ें। तुरंत ही अपने पति को हाथ पकड़ के और वे सेठानी जब वहां से चली और महात्मा जी के पास ही सेठ जी बैठी गए, बैठे रहे फिर वे सोए गए। और जब वे सोए तो उनने एक सपना देखो, कहा देखो कि हम दुकान पर बैठे और जब दुकान पर बैठे हैं तो एक ग्राहक सामने आओ और जैसे ही ग्राहक आओ बाने उनकी कपड़ा की दुकान रहे। जब आओ तो सेठ जी हाँ ऐसा करो जा में से थोड़ो हमें कपड़ा दे दे। अब ऐसा हुआ कि सेठ वहां पर सोए रहे तब सपनो नजर में आयो है और देखी दुकान पे बैठे एक ग्राहक सामने आयो है। मैं थोड़ी देर तो सुनते रहे फिर सोए गए। उनने कहा देखी क्या मत तो दुकान पे बैठे ग्राहक सामने ढाड़ो, जवाब दो सेठ जी जान में कपड़ा दे रहे। अब वे तो जल जानता कि हम तो दुकान पे बैठे ग्राहक सामने वो कपड़ा फाड़े रहे, लेकिन महात्मा जी को पीताम्बर उनके हाथ में पड़े हो हाथ पीताम्बर गहलीनो फाड़न की लाग लगाई है। देखी दशा जब नारी ने तो बुद्धि गई घबराई है। जैसे ही उनने सेठ जी ने पीताम्बर हाथ में पकड़ो और बैला के बीच तहते भाग, और जब पीताम्बर भाड़ो सेठानी ने एकदम से जवाब दो है तुमने महात्मा जी का पीताम्बर भाड़ दिया क्या कर रहे हो। सेठ जी कहने लगे हमें माफ करियो हम तो सो ही गए, हमें न मालूम झुका बहु कोई बात ना। तुरंत ही वहां से चले अपने घर पे आए और जब दूसरो दिन भाव और जब दूसरो दिन भाव सोई सेठ जी फिर चले। सेठानी बोली देखो हम तुम्हें उपदेश सुनाने के लिए ले गए लेकिन तुमने हमारी एक बात ना मानी, अब तुम ऐसो करो तुम्हें नहीं मालूम है महात्मा जी की अगर चार बातें भी याद कर लो तो भी जिंदगी कट जाएगी। सेठ जी सोचने लगे चलो ये चार बातें ही लिख ली, कॉपी कलम हाथ में उठाई और तुरंत ही भी चल। और जब हुन से चले जैसे ही महात्मा जी ने देखो सोचने लगे कल ले तेने पीताम्बर भाद दो आज पता ना जी कहा का दूर से। जैसे सेठ जी वहां पहुंचे हैं तो महात्मा जी ने उनसे एक बात कही का आए गए। सेठ जी एकदम से रुके उनने जब बात लिख ली आए गए, फिर एकदम से वे महात्मा जी के पायन पे जैसे ही झोंके
सो बाबा जी ने एक बात कही का जोग गए। सेठ जी ने पाए तो बाद में छुए बाबा तले गले का जोग गए। फिर वाके बाद में जैसे ही वे बैठे सोई महात्मा जी ने जवाब दो का बैठ ही गए बहु बात लिखे लाई। और जब वे चले तो एक बात कही का चलना है, अब जे चार बातें उनने लिखी। तब अब सारी बातें लिख करके फिर सेठ रहे हरसाई है, और घर में पहुंच के मेरे भैया फिर रटना उन्होंने लगाया। अब जे चारों बातें लिख लई आई गए जोग गए बैठ गए चले गए। अब तो चाहे संज्ञा हो चाहे सवेर हो सोवत हो चाहे जगत हो ये चार बातें याद। ऐसा हुआ चलते फिरते सोते जगते अब खेले उन्हीं में खुल गया। जगे कहूं जाए लेकिन जे ही चार बातें याद कतर है और काऊ की बात ना है सुने तो सेठा नहीं सोच रही अपने मन में कि अब तो जी हमें जमान पत्ते पागल होएगा कहां करें। एक दिन उनसे एक बात कही देखो अब तो तुम दुकान ऊपर ना जात। वे बोले हाँ आए गए जवाब तो ना हमने जा थोड़ू कही हमने जा कही कि अब तो तुम दुकान बिल्कुल ना जात भला उन तो कोई बात ना हो। बोले हम जो गए सेठा नहीं बोली ना तुम हमारी बात तो सुनो कम से कम हमने जो थोड़ू कही हमने जो कही देखो तुम दुकान पे जाओ और वहां जा करके और तुम कुछ कपड़ा वपड़ा बेचो और तासे कुछ गुजारो चले। वे बोले हम बैठ गए। सेठा नहीं सोचन लगी झुका वो अब हम कहा करें ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए। एक दिन ऐसा हुआ अब देखो समझाने हम जा रहे हैं कि महात्मा की चार बातें भी काफी है। तो एक दिन सेठ जी सोए रहे तब चोर घर में आए हैं और सोवत से जागे तुरत तब अक्षर वे दोहराए। एक दिन ऐसा हुआ सेठ जी सोवर रहे घर में आओ तभी सोवरते जगते सुते ही अक्षर कहूं करता तेरे तो पाए और कुछ याद ही ना रहा। उनके घर में चोर आए और जैसे ही उनने खिड़की तम में वो झक के देखो सो सेठ जी की आंखें खुली गई वे ही अक्षर। और जैसे चोर ने देखो तो सेठ जी बोले का आई गए चोर खान लगे हमें लगा चोरे जाने देख लो ऐसे कर नीचे झुके जा। और जैसे ही वे झुके सोई सेठ जी बोले का झुक गए चोर बोले और ते किसान तो बिल्कुल ही देख लो ऐसे कर तू बैठ जा। बैठे सेठ जी बोले का बैठ गए सोई चोर उठ के भागे सेठ जी खड़े हो गए। जवाब देने लगे ये बात बिल्कुल सच है हमारी स्त्री ने जो हमसे कहा था वो भी बिल्कुल सच है इसलिए हमारा सिर्फ ये कहना है दोस्तों मेरे भ्रात में एक मेरी है तुम मान ली जो मेरा कहना साधु की बात काम आवे उपदेशक तुम सुन दे रहना। हाँ दोस्तों तो अब देखते हैं मतलब शराब के बारे में कि अधोमाप करें इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। एक राजा मंत्री से छिपा करके जो शराब पी रहा था तो वो मंत्री को मालूम पड़ गया कि राजा तो शराब पी रहा है
तुरंत ही उनने एक बोतल उठाई और अपने बगल में दबा के चले और पिए नए को ढक्कन दिखाए फट जाए। देखो चले वे तो बोतल लाई उठाई बगल तबाई न देर लगाई और राजा के पास हम निकले फिर उनको दई दिखाई। जैसे मंत्री राजा के पास से निकले तुरंत ही उनने नेक दिखाई दई सोई राजा ने पास बुलाओ इधर आओ बता जवाब दिया हमने कहा इधर आओ। राजा ने लाई निहार कई उठार सुनो चितलाई सुनो चितलाई पास बुलाए के मंत्री को फिर उन्होंने बात बताई। एकदम से मंत्री को पास बुलाए लो जवाब दो जो बताओ जो तुम्हें बगल में कहा था वो भी बोले कछो ना कछो ना जामे कछ तो है ही जवाब दो। अगर तुम बूझ रहे तो हम शहर में गए तो आज तोता लेके आए सो है और तो कछो ना। राजा बोले अच्छा तुम हमसे झूठी कह रहे जब तोता है बगल में अरे बताओ तो कहा है। मंत्री बोले साहब घोड़ा है। बोले घोड़ा और सो तुम्हारे बगल में अब बताओ तो। देखो तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारा राजा हूं और भला तुम जब हमें नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओ। तुरंत ही कि समझा कर राजा बोले पड़े मुझे सच सच बात बताना है और मैं तुम्हारा राजा हूं तुम्हें मेरे साथ में रहना है। एकदम से राजा बोले देखो अरे हम तुम्हारे राजा हैं भला तुम्हें हमारे संग तो रहे और किन के संग रहे बताओ चाहे जामे। मंत्री बोला महाराज सुनो मैं तुमको सत्य बताते हैं और गदा बगल में है मेरे अब की में सत्य सुनाते हैं। एकदम से जवाब दो देखो साहब अगर तुम बूझ रहे तो कोई बात ना हमारे बगल में गधा है। राजा बोले गधा जवाब दो हाँ। एकदम से जवाब दिया मंत्री तुम हमें बात नहीं बता रहे हो सच सच बताओ क्या है। मंत्री बोलो साहब हाथी है। राजा कहने लगा हाथी नहीं अगर आपकी बार तुमने नहीं बताया तो तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। मंत्री ने वह बोतल लाई सोई के तुम सामने दे राजा का है तो हमसे पहले ही कह रहे थे तो हम कहा तुम्हें पीने के लिए रोका थे बताओ। तब तो इतने ड्रामा करे फेंक रहे मंत्री बोलो बिल्कुल बात सही है। देखो जब तुमने पहले हमें बूझी तो हमने एक बात कही साहब कछो ना है तो जब पहलो प्यालो इंसान कोई लगा है तो वो आके लिए कछो ना है ओत और जब तू सरो लगा है फिर वो तोता की तरह से तो लाल लगत और जब तीसरो लगा है तो फिर वो घोड़ा की तरह से हेन हेन लगत चौथो लगा है फिर मंत्री बोले अरे चौथो प्यालो जब ही लगावे चौथो प्यालो जब ही लगावे फिर बोसोए मगधा बन जावे हाथ पकड़वा को ले जावे मनयावे वही लोट लगावे। मंत्री बोलो देखो गधा हमने गलत थोड़ी बताई चौथो प्यालो अगर जो लगाए फिर तो वो गधा की तरह हो जाए तो हाथ पकड़ ले मन आता ले जाओ मन आता ही लौटे जा और जब पांचवा प्यालो लगाए फिर वो हाथी की तरह से मस्त हो जा तो जहां जा तो बस पूरी गली में झूमत भाव फिर लास्ट में भी खुद ही शराब बन जा। तो कहने का मतलब ये है ये शराब जो है इसके अनेक रूप है। तो जब राजा ने यह सुना है मंत्री की बात को समझने के बाद में उसने शराब छोड़ दिया है। अब देखते हैं यहां से आगे कि मूर्खता
कैसी होती है अब तुम्हें हम बताएं। देखो लिखा है विद्वानों ने, मूर्ख हृदय न चेतता ठगता है सब कोई, दुख सहित जीवन कटे ज्ञान कभी ना होए। दोस्तों देखते हैं इस दृष्टांत के बारे में। एक कुम्हार का घर था, उस कुम्हार के घर के पास ही स्कूल था जिसमें पढ़ाई होती थी, तो बच्चे छोटे छोटे पढ़ने के लिए जाया करते थे। अब ऐसा हुआ जब बच्चों में लड़ाई होती थी तो मास्टर चिल्ला करके उन बच्चों से ये कहते थे, देखो तुम तो बिल्कुल ही गधा बने रहे, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया तुम्हें नहीं मालूम है मैं गधा से इंसान को बनाते हैं। तो वह कुम्हार ने सोची ये तो बड़े बढ़िया मास्टर है, सोचने लगा कोई बात नहीं हमारे घर में गधा है तो हम इन मास्टर के पास में जरूर ले जाएंगे। ऐसा ही नहीं, जब उनने जा सुनी तुरंत ही गधा को कान पकड़ो और मास्टर के पास हम पहुंच गए। और मास्टर के पास पहुंच करके बोले ऐसा भाई आप होशियार बड़े और जो गधा से मनुज बनाते हैं और लेते हो फीस क्या इसकी और कितना समय लगाते हो। जवाब दिया देखो तुम तो बड़े हो से यार, अरे गधा से इंसान बना दे तो जो गधा ले लो और पैसा बताओ कितने लेता। लो गधा आप दाखिल कर लो रुपया चाहो सो दे दूंगा, बतलाओ मुझको समय ठीक बस बाद समय के ले लूंगा। तुरंत ही जवाब दिया लो अरे ये गधा अपने पास में रखो और तुम जितना भी समय बताओ जितना पैसा बताओ हम तुम्हें देंगे और तुम जो समय बताओगे हम उसी के अनुसार तुमसे ले लेंगे। मास्टर साहब सोचने लगे तो बड़े ही बेवकूफ है, कोई बात ना सोची जो गधा की गधाऊ बच जाए और जो पैसा था सो बच जाए, जवाब दो कचना है 500 रुपया दे। अच्छा और मास्टर बोले एक बरस लग जाएगी सोनो लगा कर ध्यान और बाद साल ले जाइए अपना पुत्र सुजान। जवाब दिया एक साल रह गएगी और एक बरस के बाद में तुम ऐसे ले जाना। मास्टर भी गए और उनने वो गधा जाके बाजार में तो बेच दो और बाकी और पैसा में ले गए। बड़े आनंद के साथ में रहे और जब एक साल व्यतीत भाई तब दो दिन बाकी रह गए तभी पड़ा बीमार, इस कारण से हो गए बाद बरस दिन चार। दो दिन बाकी रहे और सोई भी बीमार पड़ गए तो चार दिन और हो गए। तुरंत ही भी चले घस है जोरा उरा पौन ले क्यों वे पगाइयां गाइयां और बांधे रही सब और वे रस्सी ले कौन सी बे ईंटे ढोर रही भट्टा पैतर रो तो चल लगे जाए हम ले चले तो जल्दी पहचान लिए। तुरंत ही जब हन पहुंचे और मास्टर से जवाब लो देखो तुमने जो इंसान बनाया था हम तुम्हारे पास में जो गधा लेकर के आए थे अब वो कहाँ है। पहले तो मास्टर अबड़ा ने फिर भागे बाद में जवाब दो है बहुत बढ़िया बात तुम अब लौट के आए। अरे तुम्हें नहीं मालूम है अब तो वो बड़ा आदमी है वो बड़े शहर में रहता है। जब इतने शब्द सुने सोई भी एकदम से उनसे चले और जब वे चले पैसा ले पैसा लेने के बाद में हुन पहुंचे नवाब के पास में। मास्टर ने एक बात कही देखो नवाब है और अब तो नवाब बन गए पढ़ लिखे सो देखी दरवाजे पे अब खड़े रहे। जवाब दिया कहाँ जा रहे हो। कान लगे हाँ हमें तू रोक रहा है हमें रोक रहा है। जवाब दिया हाँ तुम ही रोक रहे हैं कहाँ जा रहे हो ये नवाब का घर है। कहने लगा नवाब का घर है हमें मालूम है नवाब का घर है। जवाब दिया आज्ञा नहीं मिलेगी। बोले ओए बोला आज्ञा को देगा तू बड़ा यकल का हेटा है और जिसका योल्लू तू नौकर है वह नवाब मेरा बेटा है। जवाब दिया तू आज्ञा देगा जरूर देगा। अरे तुझे नहीं मालूम है
तू जिसके घर पर नौकरी करता है वो मेरा बेटा है, और तुझे नहीं मालूम अगर हमने खबर कर दी तो नौकरी मारी मारी रहेगी, और आंसू नहीं आएगा, आंसू निकल आया तो बंद नहीं कर पाओगे। क्या कहा मैंने? मुझे सोचने लगो आए शायद कहूं पिता ही भाई, तुरंत ही उनसे चलो, सोचने लगी चलो नौकरी तो बची जाए। एकदम से नवाब के पास में पहुंचो, और जब बात नवाब से एक बात कही, देखो हमें जब मालूम पड़ते कि तुम्हारे पिताजी आए, नवाब कहने लगे हमारे पिताजी तो एक साल पहले ही खत्म हो गए, भला हमारे पिताजी कहाँ है, बुलाए के ला। उन्हें जब बुलाए के ले गए, उनने जब देखी जवाब, तुम हमारे पिताजी हो, हमारे पिताजी बनकर के आए, वे कहने लगे वो तू क्यों पहचान है, अब ना पहचाने भैया। ओए बोला क्यों पहचानोगे, अब तो नवाब हो बने हुए, क्या बेदिन तुमने भुला दिए, घर पर रहते थे बंधे हुए। ओए बोला क्यों पहचानोगे, अब तो नवाब हो बने हुए, क्या वो दिन तुमने भुला दिए, घर पर रहते बंदे रहते थे, और जब घास चलने के लिए छोड़े तो जाते ना, तब चारों गुड़वाल नहीं जाते, अब नवाब बन गया तो तुम हमें भूल गए। बाने जब इतनी बात सुनी एकदम से लात दई, और जब लात दई सोई भी खड़े हो गए, सोचने लगे वारे मास्टर पैसा ले ले, बता पैसा ले ले, आदत ना है बोला है पाई, बोले आदत तो वही पुरानी है, तब तो मुझको ललकारता है, और पहले भी लात मारता था और अब भी लात मारता है। सोचने लगे आदत तो भय पुरानी, अरे पहले जो लात मार तू तो कहा भाव, फिर यू लात मार तू ज्यादा बढ़िया तो कर रही है, तो ईटे तो उड़ हुआ रात, इससे तो गधा अच्छा था बेकार मनुज ये बनवाया, रुपए भी मेरे खर्च हुए बढ़ गया, दुख सुख ना पाया। उनने अपने दिल में सोची ऐसे ही बढ़िया आते, जब जब सोची तो जब आप तो देखो बेटा तुम हमारी बात सुनो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे ही वे पगैया रहे ना सो उन्हें खोले के और दिखाई सो अब तो न पे और मारू पारी, और जैसे ही मारू पारी सो एकदम से उनसे भागे और अपने घर पर पहुंच गए। पत्नी को उन्होंने सारा हाल बताया है, तो कहने का मतलब वही आता है दोस्तों कि मूर्ख हृदय कभी चेतता नहीं है, उसे सारा संसार ठगता ही रहता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि चालाक बन करके रहो बस, और हमारा कुछ भी मतलब नहीं है।